समझते हो, इसीलिए भाग। उन हालात से, मुझसे, मेरी मोहब्बत से। शाजिया, अख्तर से कहो कि हसन से कहे मैं बुला रही हूं। जी। आ जाए। शाह साहब, आपको बीबी जी बुला रही हैं। जी, हाँ। जी। जिम्मी। अरे हसन बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। लड़की तो मुझे इतनी अच्छी लगी है ना कि मैं तो तारीख भी तय कराई। तुम देखोगे ना तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हीरा है लड़की, हीरा। बीए पास है और घर के सारे काम काज। अगर आपको इतनी पसंद है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। आप खुश हैं तो ठीक है, चले अभी चल के निकाह कर लेता हूँ उससे। बेटा वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। नहीं अम्मी, ना मैं खुश रह पाऊंगा ना ही उसे रख पाऊंगा, क्योंकि मेरी खुशी तो मेहरबानों में। क्या करूं, मोहब्बत जो कर बैठे। माफी मांगता हूं आपसे कि वादा खिलाफी की, पर क्या करूं। जब भी उसको बेसुकून देखता हूं तो खुद भी बेसुकून हो जाता। हर रोज ये सोचता हूं कि उसके लिए नहीं तड़पूंगा। हर रोज यही बात भूल जाता। माफी मांगता हूं आपसे कि वादा खिलाफी की, पर क्या करूं। जब भी उसको बेसुकून देखता हूं तो खुद भी बेसुकून हो जाता। शानो, खाना तैयार है? जी बस बन गया। कितनी देर है? बस थोड़ी सी देर। समीना, तुम कैसी हो? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? हसन खैरियत से है? हसन भी ठीक है। वो तुम्हें बताने के लिए फोन किया था कि मैं मेहरबानू और हसन का निकाह कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ समीना, इसी में हसन की खुशी है। हेलो, हेलो, क्या हुआ अम्मी? किसका फोन था? अरे वो
झूठ, बिल्कुल झूठ। आप इसलिए झूठ बोल रही ना ताकि आपकी बेटी को दुख ना हो। लेकिन आपकी बेटी को तो दुख होगा, और ये झूठ कब तक चलेगा? उसने हसन को छीन लिया मुझसे, मेरी खुशियां छीन ली मुझसे। पहले बिलाल से मेरी शादी तोड़वा दी, फिर हसन को अपने काबू में कर लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अमीना खाला ने उसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया। एक लड़की, एक ऐसी लड़की जिसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है, उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? मुझे नहीं समझ में आता, मुझे मुझे समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस रहने दो, जाके जरा हसन को बुला के ले आओ। अमीना खाला, आओ बेटा। आपके सर में दर्द हो रहा था ना, तो मैंने कहा मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। चाय रख दो, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। बेटा, कभी कभी इंसान शर्मिंदगी में खुद को बीमार जाहिर करता है ताकि उस पर तरस खाकर उसे माफ कर दिया जाए। मेहरबानों, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। अरे अब कैसी बातें कर रही हैं अमीना खाला, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपकी जगह मैं होती ना, तो मैं भी शायद यही सब कुछ करती। आपने तो मुझे अपने घर में जगह दी, पूरी दुनिया मेरे लिए तंग पड़ गई थी। बेटा, तंग नजर तो हम थे, इज्जतदार होने के बावजूद दूसरों की इज्जतें उछालते रहे। मैं हकदार तो नहीं, लेकिन ठीक समझ कर ही मुझे माफी दे दो। मैंने आपको माफ किया, मैंने सबको माफ किया। अरे आप बताएं क्या चाहिए, मैं देती हूँ। बेटा एक मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। मेहरबानी, ये मेरे बेटे की खुशी मुझे दे दो। मेहरबानी, उसकी हिम्मत के आगे मेरी से धार गई है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी करके मैं अपने बेटे की खुशी उसे दे दूं। जब तुम्हें उसकी खुशी हो तो
फिर किसी और से शादी क्यों करूं मैं उसकी? क्या दुआ मांग रही हो? दुआ नहीं मांग रही, सवाल पूछ रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये खुशी भी चली जाएगी? पता नहीं क्यों हसन खुशी के मौके मुझे खौफ में मुब्तला कर देते हैं। कैसा खौफ? यही कि ये खुशी भी वक्ती है, ये भी चली जाएगी। अरबानू, इन हसीन लम्हों को ऐसे साया मत, मैं सिर्फ तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें किसी भी परेशानी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछो। अमीना खाला को कैसे मनाया आपने? मैंने नहीं मनाया। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहती हूँ अगर तुम खुश हो तो मैं कर दूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मेरी खुशी सिर्फ मेहरबानी। तो आपकी खुशी के लिए हामी भरी उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ अपनी अम्मी को, उनको तुम्हारी पाक दामिनी पे पूरा यकीन, और मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने ये बात उनके दिल में खुद डाली। मेहरबानों, खुदा के लिए अब ये खौफ खदशात अपने दिल से निकाल दो, हमारी शादी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत के सिवा और कुछ ना हो। जैसे आपका हुक्म। हुक्म तो अब आप चलाएंगे, इस घर की मालकन बनके, मेरी मालकन बनके। फरीद तुम परेशान मत हो। हाँ नहीं, बस मुझे बताती जाओ उनकी तबीयत कैसी है, मैं बताती हूँ अमीना खाला को। नहीं बस तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। फरिया का फोन था। अम्मी को हार्ट अटैक हो गया है, वो आईसीयू में है। झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अम्मी के बारे में क्यों झूठ बोलेगी, वो तो कह रही थी खाला से बात करवाओ। कोई जरूरत नहीं अम्मी से बात करवाने की उसे। ये क्या हुआ भाई, किससे बात नहीं करवानी? अम्मी को हार्ट अटैक हुआ, वो आईसीयू में, फरी की कॉल आई थी। या अल्लाह खैर। अरे बेटा, हो सकता है वो सच्ची बोल रही हो। अम्मी आप उसकी आदत को अच्छी तरह से जानती हैं, झूठ बोल रही है वो। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप हमारी शादी के लिए राजी हो गई। हाँ बात तो सही है तुम्हारी। खाला आप फोन करके एक दफा देख लें, वो अम्मी के बारे में क्यों झूठ बोलेगी। मेहरबानो प्लीज। रुको बेटा, तुम फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ, मालूम करती हूँ क्या सही है। हेलो। हाँ शानू, क्या हुआ वहाँ पे? सुबह में आपका फोन आया था, उसके बाद फरिया बीबी ने इतना हंगामा डाला और खुदकुशी करने की कोशिश की। बड़ी बीबी जी ने रोका, फिर भी वो नहीं मानी,
और इसी लड़ाई में उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्या हुआ? वो फरिया ठीक कह रही है बेटा, हमें हमें फौरन जाना होगा, तुम टिकट बुक करवा। लेकिन अम्मी, हसन कुछ भी हो बेटा, वो अकेली है और हमारी जिम्मेदारी है, हमें वहां जाना चाहिए। बस तुम जाके सीटें बुक करवाओ। फिक्र नहीं करो जी, आया था फोन मुल्तान से, मैंने उन्हें बता दिया है समीना बीबी की हालत बहुत खराब है। ये बताओ कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अब ये तो मुझे नहीं पता, तो फिर पूछना था ना। ना जाने क्या हो जाता है इन लोगों को। बीबी जी आप वापस आ रही हैं? हाँ अल्लाह खैर करे, वहां सब खैरियत हो। वापिस आके आप शाहजी की शादी करेंगे? अरे अभी ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, तुम जाओ, जाके दूसरा सामान सारा बांधो। अच्छा। खाला जान की वाकई तबीयत खराब है। हाँ बेटा, मेरी शानू से बात हुई थी, और शानू भला मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? तुम इतने सख्त तो नहीं थे। मैंने ऐसा क्या किया? बेटा तुम्हारी खाला अस्पताल में पड़ी है और तुम यहाँ सोच रहे हो कि वो सच्चे की झूठ। फरिया को आप अच्छी तरह से जानती हैं, मेरा दिल कह रहा है कि कोई नया ड्रामा। तुम अपनी माँ की सुनो, अपने दिल की नहीं। और अगर ये ड्रामा होगा भी तो हमें वहां जाके पता चल जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत मुश्किलों के बाद मेहरबानो जिंदगी की तरफ लौटी, बहुत मुश्किलों से उसने बोलना हंसना शुरू किया, बहुत मुश्किलों से मैं उसे वापस लेकर आया हूं। मैं नहीं चाहता कि फिर उसे उसी अजाब में ले जाऊं। मेहरबानो इस घर की होने वाली बहू है, तुम क्या समझते हो? अगर कोई उसे कुछ कहेगा तो मैं खामोश रहूंगी? मैं मुझे ऐसा लगता है कि मेहरबानो आ जाएगी तो फिर से उसके जख्म हरे हो जाएंगे। हसन बेटा, हमारा वहां जाना जरूरी है, उस घर में कोई मर्द नहीं है, तुम्हें को वहां जाके सारी भागदौड़ संभालनी है। और फिर अगर तुम नहीं चाहते कि मेहरबानो जाए तो हम उसे यहीं रहने देते हैं। एक्चुअली मैं ये चाहता हूं कि उसका और फरिया का आमना सामना ना हो, प्लीज आप मेहरबानों को ये बात समझा दीजिएगा। मैं जरा पैकिंग कर लूं। यस, मैं अंदर आ सकती हूं? आओ। अमीना खाला को आपने मना किया है मुझे साथ ले जाने से? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उस माहौल में वापस जाओ। लेकिन हसन अब मैं ठीक हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ठीक हो। मैं जानता हूँ कि तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। हसन अब आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ जाऊंगी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और अमीना खाला कैसे अम्मी का अकेले ख्याल रखेंगी? फरी का तो आपको पता ही है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकती तो अम्मी का क्या रखेगी? मेहरबानो खाला जान के लिए मैं वहां पे नर्स भी रख सकता हूँ, और वैसे भी शानो अम्मा है वहां पे, इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज तुम बस यहीं रुको। आपको क्या हो गया हसन? मैं कोई कांच की गुड़िया थोड़ी हूँ जिसे आप एक शो केस में बंद करके रखते हैं। हाँ, मेरे लिए तुम कांच की गुड़िया जो ना जाने कितनी बार टूटी है, बिखरी है, और उसकी किरचियां मैंने समेटी, इसीलिए चाहता हूं कि तुम इस घर में रहो ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं जानता हूं कि तुम वहां जाओगी तो फरिया तुम्हें तंग जरूर करेगी, वैसे भी मुझे ये सब ड्रामा लग रहा है, सीरियसली। ड्रामा हो या हकीकत, मैं आपके साथ जाना चाहती हूं। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया है। ठीक है, अम्मी से जाके कहो कि हम तीनों सुबह की फ्लाइट से कराची जा रहे हैं। शुक्रिया।
बीवी जी कुछ खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना। अब बताओ हसन आया? कल उनका मैनेजर आया था, पैसे दे के गया है। पैसे सब कुछ नहीं होते, खुद तो वहां मेहरबानों के पास बैठा और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है मुश्किल हालात में। बीबी जी आ जाएंगे, आप खुद को संभालें। हसन आएगा ना? जी बीबी, वो लोग आ रहे हैं। फरी तुम ठीक हो बेटा? I'm really sorry अम्मी, मेरी वजह से आपकी हालत है। I'm really sorry. सॉरी बेटा, रो मत, मुझे और तकलीफ होगी। रो नहीं तो और क्या करूं? फरिया बीबी, ये आपका मोबाइल बाहर कुर्सी पर रह गया था। अमीना बीबी का फोन आया था, वो लोग सीधा यहीं आ रहे हैं। तुम जाओ जूस लेके आओ। जी अच्छा। अम्मी हाँ, यही अच्छा मौका है, आप अमीना खाला से बात करिएगा, वो आपको किसी भी हालत में ना इनकार नहीं कर सकती। उनको बस इस चीज का एहसास दिलाना होगा कि आपको हार्ट अटैक सिर्फ उनकी वजह से आया है, तब तो वो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। और मैं डॉक्टर से भी बात कर लूंगी कि वो हसन को बोले कि आपको आपकी हालत बहुत खराब है और उसकी वजह कोई जहनी सदमा है। ठीक है ना अम्मी? बोले बात करेंगी ना आप अमीना खाला से? बोले ना। बेटा मैं मर मर के बची हूँ, मौत को अपने बहुत नजदीक देखा है मैंने। मैंने अब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, जो उसकी मर्जी है तुम भी उसी पे छोड़ दो बेटा। मौत को देखे हैं ना, मरी तो नहीं है आप, और किसके सहारे छोड़ना चाह रही हैं आप मुझे? अगर अल्लाह के सहारे ही छोड़ना है ना तो मुझे कहीं दफन करके ही मरिएगा। मैं बता देती हूँ अम्मी, अगर मेरी आंखों के सामने आपकी इस बेवा बहू की हसन के साथ शादी हुई ना तो मैं जहर खा लूंगी या फिर गायब हो जाऊंगी। बेटा मैं हसन से बेहतर लड़के से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। क्यों अम्मी? आप यही चाहती है ना कि हसन की शादी मेहरबानों से हो जाए, है ना? मैं बहुत बुरी हूं ना, मैं बहुत बुरी हूं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अम्मी, मुझे मर जाना चाहिए, मैं मर जाऊंगी अम्मी। अच्छा ठीक है, मैं मीना से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। समीना कैसी है? अभी पहले से बहुत बेहतर है, आप लोग कमरे में मिल लीजिए। आपने उनसे साफ साफ कहना है कि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अमीना खाला, देखिए क्या हो गया अम्मी को, कहाँ चली गई थी आप? हमें इतनी मुश्किल में छोड़ के हम कितने अकेले हो गए थे। प्लीज प्लीज मेरी अम्मी को ठीक कर दे आप। बेटा फिक्र मत करो, समीना जल्दी ठीक हो जाएगी। भाभी भाभी देखे ना अम्मी का क्या हाल हो गया है, कितना बड़ा हार्ट अटैक आया ना। मेहरबानी बेटा, फरिया को बाहर लेके जाओ। जी अम्मी। शाह साहब,
मुझे घर छुड़वा दें, मैं समीना बीबी के लिए सूप बनवाऊंगी। हाँ ठीक है, नीचे ड्राइवर है, आप और फरिया चले जाएं घर। फरिया भी थोड़ा रेस्ट कर ले घर जाके। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चले जाओ फरिया, थोड़ा रेस्ट कर। मैं मेहरबान हूँ, अम्मी हम सब है ना यहाँ पर। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग भी साथ ही चलते हैं फिर तुम्हारे। तब तक अम्मी है खाला जान के पास, मैं अम्मी को बता के आता हूँ। ठीक है। कैसी तबीयत है खाला जान अब आपकी? बस बेटा, न जाने कौन कौन से दुख देखने के लिए अल्लाह ने। वो कुछ रेस्ट कर ले। और हाँ, मैं शानो अम्मा को भी साथ लेके जा रहा हूँ, उन्होंने सूप वगैरह बनाना है खाला के लिए। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं तो शानो अम्मा को लेके वापस आ ही रहा हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, जा। बीबी जी, आपको हमारा घर कैसे लगा? बड़ा है ना? बड़े घर से कुछ नहीं होता शानो, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। और वहाँ लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, बहुत मोहब्बत से रखा सबने मुझे। बीबी जी ने बिल्कुल सही फैसला किया है, आपकी और हसन साहब की ही जोड़ी बनती है। शानो, अभी इस बात का किसी से भी जिक्र मत करना, खास तौर पर अम्मी और फरी से। ना बीबी जी, मैं कभी ना करूं। इस बार तो फरिया बीबी ने अपने गले पे छुरी रखी थी, अगली बार मेरे गले पे रख देंगी। क्या? जी, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। फिर क्या, मैं और समीना बीबी उनके पीछे भागे और समीना बीबी बेहोश हो गई। अमीना। हाँ समीना, कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल इस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे। अगर तुम फरी को अपनी बेटी समझती हो तो फिर उससे बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? मैं सिर्फ इसीलिए चाह रहा था कि तुम मेरे साथ ही आना। क्यों, क्या हुआ? चेहरा देखा तुमने अपना, कैसे उतर गया एक दिन? हसन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप चाय पिए, मैंने फरिया को देखना है जरा। सोई नहीं वो अभी तक? सो तो गई थी लेकिन शायद उठ गई हो अब। उसकी हालत तो अम्मी से भी ज्यादा खराब है। मुझे इस लड़की पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। पागल बनकर ड्रामा करके सिर्फ हमारी हमदर्दियां हासिल करना चाहिए। टेंशन सीकर तो वो है लेकिन वो खतरनाक होती जा रही है। और इसी खतरनाक लड़की से मैं तुम्हें बचाना चाहूँ। तो हमारी तवज्जो की जरूरत है, हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हसन। देखो मेहरबानो, अगर कोई अपनी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? जिंदगी कैसे आसान कर सकते? प्यार और मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत नहीं उसकी नाजायज ख्वाहिशात में, उसकी जिद में। बस दुआ करो कि अल्लाह पाक समीना खाला की तबीयत बेहतर करे तो हम वापस मिल पाएं। चलते फिलहाल तो हमें अस्पताल जाना। चाय पीने की इजाजत मिल गई? थैंक यू। खुदकुशी करने की कोशिश की थी। बीबी जी, बीबी जी। हाँ शानू। मैंने टिफिन पैक कर लिया, अमीना बीबी का खाना भी साथ रख लिया, अब हम चले। हाँ मैं कपड़े बदलूं, तुम हसन साहब को कह दो, ठीक है? आ जाए। सलाम अलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? तुम्हारे सामने मैं आपके लिए सूप बना के लाई हूँ, इसे तो पी लें। अभी दिल नहीं चाह रहा। अरे समीना, दिल नहीं कर रहा फिर भी पियो, ठीक नहीं होना क्या? हसन बेटा, डॉक्टर से पूछो और कितने दिन रखना है, और इन अस्पताल वालों का क्या है? अरे ये तो अपना बिल बनाने के लिए मरीज को घर ही ना जाने दे। फरी नहीं आई। खाला जाने सो गई थी, तो शानो अम्मा को मैं उसके पास छोड़ आया हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर ले, ठीक है? मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हसन कहाँ है? मैंने पूछा हसन कहाँ है? जी वो हॉस्पिटल गए हैं। और मेहरबान हो वो भी साथ गई हैं। देखा, चली गई ना उसके साथ। माँ मेरी बीमार है, मुझे वहां होना चाहिए ना कि उसे। जी वो चाह रही थी कि आप अपनी नींद पूरी कर लें। हाँ उसका बस चले तो मुझे हमेशा की नींद सुला दे। जी वो हसन साहब कह के गए थे जब आप उठ जाए तो उनको फोन कर दें तो वो आपको लेने आ जाएंगे। फोन लेके आओ मेरा।